डॉक्टर सोमू सिंह जी एवं इस वेबिनार से जुड़े हुए देश भर के सभी आचार्य बंधुए बहने, प्रिय छात्र भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सोमू सिंह और उनकी टीम को मैं अभिनंदन देना चाहूँगा कि कई दिनों से लगातार ये एक अकादमिक एक्सरसाइज चला रहे हैं और बहुत सारे व्याख्यानों का आपने आयोजन किया है। ये बहुत ही एक एकेडमिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो है शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश। भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात करते हैं तो उसकी शिक्षा में क्यों आवश्यकता है, आज हमारा ज्ञान है इसलिए आवश्यक है, तो ये तो कोई तार्किक बात नहीं हुई। परंतु तार्किक बात यह है कि एक बार जब एडिसन ने ग्रामोफोन की शोध की तो उस समय वो मैक्स मुलर के पास गए कि आपका आवाज सबसे पहले मुझे टेप करना है इसमें। तो मैक्स मुलर ने कहा, नहीं, बात तो बहुत अच्छी है, ये आपने नई शोध की है, लेकिन उनका हम दोनों आपस में बैठकर आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इसके बदले कोई बुद्धिजीवियों के समूह में इसको नहीं किया जा सकता। तो एडिसन तो बहुत खुश हो गया, तो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई बुद्धिजीवी लोग सम्मिलित हुए और मैक्स मुलर ने जब वो रिकॉर्ड करना था तो जो पहला शब्द बोला वो था अग्नि मिड़े पुरोहितम। ये सुनने वाले सारे विद्वान वैसे तो जानते हैं कि ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। लेकिन ये संस्कृत में बोले थे इसलिए बहुत लोग समझ नहीं पाए उसको। तो इसको समझाते हुए जब सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सब खड़े होकर भारत के ऋषि मुनियों को प्रणाम करके सम्मान देंगे, क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दुनिया को दिया है। यानी ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारे पास एक किताब है भारत क्या है, तो उसमें ऐसे ही दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, समाज शास्त्रियों ने जो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की भाषा, भारत की संस्कृति, इस सब के बारे में जो कहा है उसका संदर्भ के साथ विथ रेफरेंस सारा इसमें दिया गया है। जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो तब पर्यावरण की जब बात करें कि पर्यावरण का देश और दुनिया में संकट लगभग पिछले 100 साल से है, परंतु 2000-5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए उसमें पर्यावरण संरक्षण के मंत्र क्यों लिखे गए हैं, क्या आवश्यकता थी? तो भारतीय ज्ञान परंपरा ये है कि दुनिया में अधिकतर देशों की परंपरा ये है, पद्धति ये है कि कोई समस्या खड़ी होने के बाद फिर समाधान ढूंढने के प्रयास किए जाते हैं। जैसा आज पिछले 5 महीनों से लगभग कोरोना महामारी दुनिया में फैली तो अभी समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं, समाधान मिल नहीं रहा अभी भी। वो है कि समस्या खड़ी ही न हो इस प्रकार की सोच विकसित करना,
जब पर्यावरण की कोई संकट की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, उस समय पर्यावरण संरक्षण के लिए मंत्र जो लिखे गए, यानी पर्यावरण के बारे में हमारी दृष्टि किस प्रकार की होनी चाहिए मनुष्यों की, यह दृष्टि उसमें दी गई। तो इसलिए भारतीय ज्ञान जो है वो भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि सारी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। तो उसको अगर इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए कि भविष्य को देखते हुए समस्या जो खड़ी होने की संभावना भी न हो, ऐसी समस्याओं के निदान की तैयारी पहले से की जाए। आज दुनिया में योग धड़ल्ले से होने लगा और ये चीनी कोरोना महामारी के बाद तो और तीव्र गति से योग की स्वीकारता दुनिया में हो गई। लेकिन हमने, भारत ने, लोग तनाव में आए, स्ट्रेस में आए, स्वास्थ्य बिगड़ गया, इसलिए हमने योग परंपरा नहीं प्रारंभ की है। हमारे यहां हजारों साल से योग परंपरा चल रही है। तो यही भारतीय ज्ञान परंपरा का विशेषता है कि समस्याओं के स्थायी समाधान की बात सोचना, अथवा समस्याएं खड़ी ही न हो इस प्रकार की सोच विकसित करना। इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा का हमारी शिक्षा में समावेश आवश्यक है। जब हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हमारा देश में बहुत सारे काम हो रहे थे, तो भारतीय ज्ञान परंपरा जब दुनिया में विश्वविद्यालय की कोई संकल्पना ही नहीं थी, तब सातवीं सदी, ईसा पूर्व सातवीं सदी में तक्षशिला विश्वविद्यालय देश में बन गया था, या विभिन्न संकायों की 16 शाखाएं थी, उसमें चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तकला और मेडिकल शिक्षा तक सम्मिलित था सारा। नालंदा विश्वविद्यालय में ईसा पूर्व पांचवी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। कहते हैं कि 10,000 छात्र वहां पढ़ाई करते थे, उसके लिए 2,000 शिक्षक थे। आज हम 30 विद्यार्थी 25 विद्यार्थी के अनुसार एक प्रोफेसर शिक्षक होना चाहिए ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है भारत में। लेकिन 2500 वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों के लिए 2,000 आचार्य थे और 5 विषयों का विशेष ज्ञान वहां दिया जाता था। व्याकरण, कला, शिल्प, चिकित्सा विद्या, तर्कशास्त्र और दर्शन, फिलोसॉफी। नालंदा विश्वविद्यालय में 5वीं शताब्दी तक 90,00,000 से ज्यादा हस्तलिपियां थी वहां, यानी आज के हिसाब से ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे विश्वविद्यालयों के संयुक्त रूप से टोटल किया जाए तो भी इतनी हस्तलिपियां नहीं है। सुनिए, दुनिया को किसने दिया? 0। दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी अंक पद्धति, ऐसे अनेक प्रकार का ज्ञान हमने पूरी दुनिया को दिया है। जब वो हमारे यहां उस प्रकार की ज्ञान परंपरा थी भारत में, तब उसका परिणाम भी क्या था कि 17वीं शताब्दी में भारत का विश्व व्यापार में 22.6% हिस्सा था, जो 1952 में 3.8% हो गया था। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन भारत का 25% था। तो जब इस प्रकार की हमारी भारतीय ज्ञान की परंपरा चल रही थी, आगे बढ़ रही थी, तब तक हमारा देश भी सब दृष्टि से श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, जिसको विश्वगुरु कहते हैं, इस प्रकार का हमारा देश था। लेकिन
पिछले लगभग स्वतंत्रता के पूर्व का कहे तो लगभग 800-900 साल से जो विदेशी आक्रमण हुए देश पर, जब आक्रमण होता है तब फिर सारी बातें रुक जाती हैं। व्यक्ति अपना जीवन बचाने के लिए पहले प्रयास करेगा या ज्ञान की बात करेगा? और उस समय जो विदेशी आक्रांता आए उनके तो कोई युद्ध के नीति नियम ही नहीं थे। हमारे यहाँ तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध होता था, उसके बाद तो एक दूसरे के परिसर में आना जाना भी लोग करते थे। अभी भी आपने महाभारत में देखा होगा, लेकिन वो जो विदेशी आक्रांता आए उसके लिए तो कोई नीति नियम ही नहीं थे, न रात थी न दिवस था, न कोई कानून थे उनके लिए, और इसलिए ऐसी अनार्की फैल गई देश में। सालों सालों तक संघर्ष करते रहे हम, और इस कारण से नए ज्ञान का सृजन, ये सारी बातें रुक गई। और इसके बाद जो अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने तो हमारा मूल से हमको समाप्त करने की योजना बना ली। हम सबको जानकारी है, मैं सिर्फ पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि मैकॉलो ने जब देश भर में सर्वे किया और सर्वे के बाद उन्होंने कहा कि इस देश पर शासन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां शासन के आधार पर समाज नहीं चलता है, समाज की अपनी व्यवस्था है, और वो बहुत अच्छी व्यवस्था है जिसमें चरित्र और नैतिक मूल्यों की बात है, संस्कारों की बात है, और ये सारी व्यवस्थाओं का मूल आधार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। इसलिए इस भारतीय विचार, भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति को समाप्त करना है अगर हमें, तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, और उस शिक्षा व्यवस्था बदलने के बाद मैकॉले ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में मैकॉले ने लिखा था कि पिताजी, मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलने में सफल रहा हूं, उसका मुझे आनंद है, लेकिन सच्चा आनंद, सही आनंद तो तब मिलेगा हमको कि हम और हमारा शासन यहां भारत में नहीं रहेगा, फिर भी यह शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी और उसमें से निकलने वाले दिखने में तो भारतीय हो गए लेकिन आचार विचार व्यवहार से संपूर्ण वो भारतीय हो गए। और आज हम अनुभव करते हैं कि चार पंक्ति इंग्लिश में बोलने वाले हमारे यहां विद्वान कहा जाता है, अपनी भाषा में बात करने वाला विद्वान नहीं माना जाता। आज तो फिर भी वातावरण बदला है थोड़ा बहुत, पापा मोम डेड कहो तो आप आधुनिक माने जाएंगे, माताजी पिताजी कहो तो आप पुराणपंथी माने जाएंगे, अपना भारतीय पहनवेश पहनोगे तो आप पुराणपंथी माने जाएंगे, कोट पैंट टाई आदि आदि पहनेंगे तो आप मॉडर्न माने जाएंगे। ऐसी अनेक बातों का उदाहरण आप भी दे सकते हैं। तो इस कारण से स्वतंत्रता के बाद भी हमारी स्थिति ऐसी बन गई कि हमारी सारी बातों पर से हमारा विश्वास समाप्त हो गया, और जो विश्व पश्चिम से आता है वही सब श्रेष्ठ है, ऐसी धारणा बन गई। और दुर्भाग्य से इतना ही नहीं हुआ, पश्चिम की अच्छी बातें हमने नहीं स्वीकार की। पश्चिम या दुनिया के जो भी देश आगे बढ़े हैं उसमें कुछ अच्छाइयां है? उदाहरण के लिए उन देशों में नागरिक कर्तव्य सिविक सेंस बहुत अच्छा है, समय पालन टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वहां रिसर्च का नेचर बहुत अच्छा है, वहां स्वच्छता बहुत अच्छी है, ऐसी अनेक बातें कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छी बात हमने स्वीकार नहीं की। जितनी वहां की गलत बातें थी, गंदगी थी, उसको स्वीकार किया। और जब ज्ञान की बात करते हैं तो मेरा पश्चिम के अच्छा ज्ञान है, पश्चिम या दुनिया के अन्य देशों का जो अच्छा उपयोगी ज्ञान है उसको हमने लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए,
लेकिन हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार ये उपयोगी है कि नहीं, इसका विचार करके हम जितना आवश्यक है उतना लें, और फिर हमारी भाषा में हमारी आवश्यकता के अनुसार उसको ढालना पड़ेगा, अन्यथा वो ज्ञान हमारे लिए कोई उपयोगी चीज होगा ही नहीं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि घर के खिड़की दरवाजे इतने खुले रखने चाहिए हमने कि एक अच्छी हवा बाहर से आती रहे, लेकिन इतने ही खुले रखने चाहिए कि जिससे हमारे पैर जमीन पर टिके रहे। तो इसका विवेक रखने की आवश्यकता है। आज हमारे पैर जमीन पर नहीं टिके हैं, हवा में है। तो विदेश से अच्छा ज्ञान, ज्ञान का आदान प्रदान दुनिया भर में हो, इसमें कोई आपत्ति की बात हो ही नहीं सकती। मैं कभी जापान गया नहीं, लेकिन मैंने सुना है विद्वानों से बात कि दुनिया में कोई भी नए अच्छे ज्ञान की पुस्तक आती है तो तुरंत वहां विदिन वन मंथ, एक महीने में उसका अनुवाद हो जाता है जापानी भाषा में। तो वो ऐसा नहीं कहते कि भाई इंग्लिश में अच्छी पुस्तक आई है इसलिए वो ही हमको उपयोग करेंगे, इसलिए हमको इंग्लिश चाहिए। और ये स्वतंत्रता के पूर्व तो अंग्रेजों ने ये सारी बातें की, क्योंकि उनको तो हमारे देश की ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति, इसको समाप्त करना था। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी यही प्रक्रिया चलती रही, और इस कारण से हमारे देश के युवक बच्चे हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इनसे एक प्रकार से स्वाभिमान शून्य हो गए। तो इस दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा का जब तक हम फिर से देश में स्थापित नहीं करेंगे, और देश में स्थापित करना है तो उनका माध्यम एक ही है, शिक्षा। जैसा आपको समाज, देश, नागरिक चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। जब तक ये सारी बातें शिक्षा में नहीं आएगी तब तक हमारे बच्चे इस बातों को स्वीकार नहीं करेंगे। आज क्यों हमारे बच्चे इंग्लिश बोलने में अथवा विदेशी खानपान में आदि बातों में अपने को बहुत गौरवान्वित मानते हैं, गौरव से बात करते हैं? क्योंकि वो सारी बातें शिक्षा में वही पढ़ाई जाती है। जब छोटे बच्चों को विद्यालय पुस्तक में जेंटलमैन बताया जाता है चित्र, तो जेंटलमैन कौन है कि जो कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति को ही बताया जाता है जेंटलमैन? धोती कुर्ते वाले को जेंटलमैन नहीं बताया जाता है। तो जब तक ये बातें शिक्षा में नहीं आएगी तब तक ये बातें भारत में स्थापित, पुनर्स्थापित नहीं हो पाएगी। इसलिए शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश होना चाहिए, और हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों कहते हैं? कई लोग प्राचीन ज्ञान का शब्द का उपयोग अधिक होता है, प्राचीन ज्ञान तो है ही हमारा, लेकिन प्राचीन कहते ही हम वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा कम तो हुई है देश में बहुत, लेकिन समाप्त नहीं हुई आज। जैसे 150 साल पहले विवेकानंद हो गए, श्रीनिवास रामानुजन हो गए, ये भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है क्या? अभी 5 साल पहले हमारे अब्दुल कलाम जी चले गए, उनका ज्ञान वो भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है क्या? लेकिन दुर्भाग्य से आज वो हमारी सिस्टम में नहीं है। जब 2011-12 में हमने श्रीनिवास रामानुजन, इनके 125 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, तो दुनिया भर में
गणित दिवस करके मनाया जा रहा था। तो शिक्षा संस्कृतान्यास ने हमने भी उस समय से प्रारंभ किया। तो उस समय कुछ संस्थानों में मैं भी व्याख्यान के लिए गया था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कई शिक्षक ऐसे थे जिसको रामानुजन नाम ही मालूम नहीं था, उनके काम की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब मैंने गहराई में देखा तो क्योंकि रामानुजन हमारे सिस्टम में आज है नहीं, जब उस समय एक दिल्ली विश्वविद्यालय में श्रीनिवास रामानुजन के कार्य पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में हमारे भी कुछ मित्र गए थे, तो सम्मेलन के बाद आकर उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब वहां जो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से लोग आए थे विद्वान, वो हमको पूछ रहे थे कि ये रामानुजन तो आपका है, उस पर आप क्यों कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी होगी कि रामानुजन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो YouTube पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी तो बिल गेट्स, जुकरबर्ग ऐसे 20 बड़े बड़े लोगों ने इकट्ठे होकर अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री देखी थी, और उसके बाद उन्होंने सबने विचार चिंतन किया कि इस पर तो बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि रामानुजन की 3 हस्तलिखित डायरिया थी, बाद में उसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने उसको प्रिंट किया। वो 3 डायरी का सॉल्यूशन आज तक दुनिया के एक भी गणित शास्त्री नहीं कर पाया है। दुनिया का इतना श्रेष्ठ गणित शास्त्री भारत का था, लेकिन वो आज हमारे सिस्टम में कहीं नहीं दिख रहा है। आज विवेकानंद हमारे सिस्टम में नहीं दिख रहे हैं, ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारे ज्ञान देने वाला महापुरुष है, जिन्होंने ये ज्ञान दिया है, वो जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम समावेश नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान स्थापित कैसे होगा। आज लाखों पांडुलिपियां देश में पड़ी हुई है, कई पांडुलिपियां ऐसे है कि जिसकी भाषा जानने वाले कोई व्यक्ति नहीं रहे भारत में, और पांडुलिपियों का ज्ञान मृतपाय धीरे धीरे हो रहा है। इस पर काम करने वाले लोग कहां से खड़े होंगे, ये कार्य कहां होगा, ये कार्य विश्वविद्यालय में हो सकता है, लेकिन उन बच्चों में तो इस ज्ञान के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। दुनिया में हमारे ज्ञान को लोग चाह रहे हैं। आज देखिए, मैं तो 2015 में जब अमेरिका गया था, तब मैंने देखा कि भारत से ज्यादा योग सेंटर तो अमेरिका में खुल गए हैं। जर्मनी में संस्कृत के ऊपर काफी काम चल रहा है। तो दुनिया तो हमारा भारतीय ज्ञान स्वीकार करने के लिए तैयार है। दुनिया के अनेक विद्वानों ने कहा कि भाई संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा संस्कृत है। ये 20 साल से मैं सुन रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं ऐसे कार्यक्रम में, लेकिन देश में आज तक इस पर काम नहीं हुआ, क्योंकि इस पर काम तो भारत के ही लोग कर सकते हैं, भारत के विद्वान ही कर सकते हैं। विदेश के विद्वान कितना भी संस्कृत समझ ले, जान ले, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो? तो मैं एक बार पुणे गया था, तो वहां के डेकन एजुकेशन कॉलेज के एक प्रोफेसर मुझे मिलने आए थे, भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर है। तो उन्होंने कहा कि 2 जर्मन प्रोफेसर हमारे आए थे मेरे डिपार्टमेंट में, और चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मंत्र विज्ञान पर आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे, वो 2 प्रोफेसर जर्मन के प्रोफेसर ने मुझे कहा। मेरे पास तो उत्तर नहीं था उन्होंने कहा। और थोड़ी देर में, सायं का समय संध्या काल का था, तो वो लैपटॉप खोलकर समय एडजस्ट किया होगा,
वो देखकर नीचे दोनों बैठ गए और वो संध्या वंदना करने लगे। यानी इतनी श्रद्धा थी उन दोनों में इस पर अपनी परंपरा की। तो बाद में उन्होंने पूछा कि आप तो इतना सारा जानते हैं भारतीयता के बारे में, भारतीय ज्ञान के बारे में, तो आप लोग क्यों नहीं करते काम इस पर? तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण था कि उन्होंने कहा कि हम कितना भी इस पर काम कर ले, अध्ययन कर ले, लेकिन हमारे रक्त में यह बात नहीं है। आपके रक्त में वो संस्कार है आपके ऋषि मुनियों के, इसलिए वास्तविक सही काम इस पर आप ही कर सकते हैं। तो संस्कृत संगणक में बेस्ट लैंग्वेज है। जब तक भारत में इस पर काम नहीं होगा तब तक वो काम नहीं होगा दुनिया में कहीं भी सफल। तो इस दृष्टि से दुनिया में हमारे ज्ञान की बहुत स्वागत है, स्वीकार्यता है, पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ ज्ञान परंपरा यानी इस प्रकार का जो एक जिसको हम नॉलेज कहते हैं, ये जो गणित की बात हो या अनेक विषयों की बात हो, इतनी परंपरा हमारी नहीं है, हमारी अनेक प्रकार की परंपरा है। जैसे हमने उन लोगों ने पहली बार एक नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया था हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में, तो माननीय प्रणव पंड्या जी गायत्री परिवार के प्रमुख वो भी साथ में थे। तो समापन के बाद उन्होंने कहा कि अतुल जी इस विषय पर बहुत शीघ्रता से हम लोगों ने काम करना है। तो मैंने कहा क्यों जल्दी क्यों है इतनी? तो उन्होंने कहा कि हमारा दुनिया के कई देशों में काम है, तो वो सारे देश के लोग हमको कहते हैं कि भाई नैतिक मूल्यों की शिक्षा, चरित्र निर्माण, संस्कारों की शिक्षा वो तो भारत के ही लोग दे सकते हैं क्योंकि आपका अनुभव का विषय है वो। तो इसलिए पूरी दुनिया में हमारे ज्ञान का स्वागत है यार, लेकिन जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे, जब तक वो हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक दुनिया में हमारा ज्ञान की श्रेष्ठता की बात तो हम कर पाएंगे लेकिन उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे, पुनर्स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की शिक्षा व्यवस्था में इसको कैसे लाया जाए इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और इस पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने अपने द्वारा कुछ प्रयास किया है और जिसके अच्छे परिणाम भी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बात करूंगा, हमने 2010 से वैदिक गणित पर काम किया, तो हमने 1 से 12 तक का पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया। वैदिक गणित तो प्राचीन संकल्पना है हमारी, लेकिन आज के आधुनिक काल में वो प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आशीर्वाद रूप है, क्योंकि हजारों रुपया क्लासेज वाले बच्चों से ले लेते हैं वैदिक गणित सिखाने के लिए। वो कई बार नाम वैदिक गणित नहीं देते, कोई स्पीडी मैथमेटिक्स कह देते हैं, ऐसे अलग अलग नाम दे देते हैं, कोई मैजिक मैथमेटिक्स कहते हैं, लेकिन वो सिखाते हैं वैदिक गणित और इनका कितना स्वागत है। हमने अभी 15 दिन पहले ही विद्यालय के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस 7 दिन चलाए, 90,000 से ज्यादा बच्चों ने, 90,000 से ज्यादा बच्चों ने उसमें सहभागिता की और देश से और विदेश से भी लोग सहभागी थे। तो बच्चे तो चाहते हैं ये, क्योंकि भारतीय ज्ञान की विशेषता ये है कि जो आज का गणित है उसमें गुणा पद्धति कहो, भागा पद्धति कहो, आदि आदि पद्धतियां जो है वो एक ही पद्धति, एक ही सिस्टम है। गुणा पद्धति एक ही है आधुनिक गणित में, लेकिन हमारे गणित के विद्वान, वैदिक गणित के विद्वान कहते हैं कि वैदिक गणित में गुणा पद्धति कम से कम 15 प्रकार की है। तो इसलिए बच्चे एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। और वैदिक गणित में गिनती, काउंटिंग की जो है सिस्टम, इतनी श्रेष्ठ है कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर से भी बच्चे ज्यादा तेज गति से काम कर सकते हैं।
तो जो आज दुनिया में संकट है कि मस्तिष्क का काम कम हो गया है आज टेक्नोलॉजी आने के बाद, तो जिससे बच्चों का मन का विकास, बुद्धि का विकास ठीक से हो नहीं पाता है, तो वैदिक गणित दोनों का काम कर सकता है। मशीन जितना स्पीड से काम करता है उससे ज्यादा स्पीड से भी काम कर ले रहा है, और साथ साथ वो बच्चे अपने मस्तिष्क से काम करते हैं। इसी प्रकार हमने पर्यावरण पर काम किया, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास पर काम किया, तो ये सारा काम करना है तो उसको हमारे यहां कुछ उसकी समस्याएं भी है, क्योंकि ये जो सारा ज्ञान हमारा है वो संस्कृत में है, और आज हमारे विज्ञान के विद्वान है, साइंटिस्ट है, लेकिन उसको संस्कृत नहीं मालूम है, क्योंकि हमारे यहां ऐसी विचित्र बात है कि साइंस के साथ संस्कृत आप नहीं पढ़ सकते हैं। और हमारा साइंस का जितना रिसर्च प्राचीन काल में हुआ है वो सारा ज्ञान संस्कृत में ही है, तो इसलिए ये एक अपना संकट है। तो लेकिन हमने रास्ता निकाला इसका, जब हमने पर्यावरण के पाठ्यक्रम पर काम किया 1 से 12 तक पर, बाद में हमने और भी काम किया, तो हमारे जो पर्यावरण के विद्वान थे उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो फिर संस्कृत के विद्वानों का सहयोग लिया गया और दोनों ने समन्वय करके साथ बैठकर फिर काम किया, तब वो हो पाया। लेकिन ये भी एक कठिन काम है थोड़ा हमारे देश में कि विद्वानों को एक साथ बिठाना, लेकिन वो करना पड़ेगा, इसका विकल्प नहीं है दूसरा। दूसरी बात क्या है कि कई प्रकार के विषयों पर कुछ विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से काम किया है, जैसे प्रबंधन मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करें मगर, तो गीता इन मैनेजमेंट, रामायण में प्रबंधन, चाणक्य का प्रबंधन, ऐसे अनेक प्रकार के हमारे प्राचीन महापुरुषों के या उस ग्रंथों में जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उस पर किताबें हैं। लेकिन वो सारे जो ज्ञान है उसको आज के मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम में कैसे समावेश इंकल्केट करना, शायद उस पर काम नहीं हुआ है। तो वही जो प्राचीन ज्ञान है और उस समय जो मैनेजमेंट पर जो हुआ है वो यथावत, वही उदाहरण, वही साहित्य, वही सब आज नहीं शायद संभव होगा, उपयोगी इतना नहीं होगा, परंतु उसका जो मूल कॉन्सेप्ट है, मूल सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है, वो आज भी उपयोगी है। उसको आधार बनाते हुए पाठ्यक्रम में कहीं चाणक्य के प्रबंधन का उदाहरण होगा, कहीं गीता के प्रबंधन के उदाहरण भी आएंगे, लेकिन आज की आधुनिक आवश्यकता के अनुसार जो पाठ्यक्रम का स्वरूप होगा उसमें उनका समावेश करना है, तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। मैंने प्रबंधन की शिक्षा में क्या क्या बदलाव होना चाहिए, इस पर मैंने एक प्रारूप 6 पेज का बनाया है, इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर देश भर में संगोष्ठियां आयोजित करके सुझाव भी ले रहे हैं, और क्रमबद्ध रूप से उसकी पुस्तक भी धीरे धीरे तैयार करेंगे। लेकिन उसमें सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश इतनी बात नहीं है, कि हमारा प्राचीन ज्ञान का समावेश इतनी बात नहीं है, क्योंकि हमको आज हमारी शिक्षा व्यवस्था के कारण टुकड़ों टुकड़ों में विचार करने की आदत हो गई है। लेकिन एक समग्रता का चिंतन, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। तो इसमें मैंने मैनेजमेंट के हमारे भारतीय ज्ञान, प्राचीन ज्ञान का समावेश की बात तो मैंने ली है, साथ साथ आज की आधुनिकता की आवश्यकता क्या है उसको भी हमने पहचान तक वो भी उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक समग्रता की दृष्टि, एक अंतिमवादी सोच, एक्सट्रीम थिंकिंग नहीं चलेगा। कई बार वो देखने को मिलता है हमारे यहाँ कि जो प्राचीन ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, है श्रेष्ठ, उसमें कोई दो राय नहीं, तो वो कहते हैं कि आधुनिकता की कोई जरूरत ही नहीं है,
जो आधुनिकता को श्रेष्ठ मानते हो, कहते प्राचीन ज्ञान वगैरह कुछ है ही नहीं, उसको कूड़े में डाल दो। तो ये दो एक्सट्रीम सोच, अंतिमवादी सोच से आप नहीं चलेगा, दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का एक विचार को आगे हमने बढ़ाना पड़ेगा। और आवश्यकता है कि इस प्रकार के विभिन्न विषयों पर, मुझे बताया गया है कि इसमें सभी प्रकार के छात्र और अध्यापक इसमें वेबिनार में सम्मिलित है। तो अगर इस भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने आगे बढ़ाना है, तो मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस विषय में हम पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई हमने की है, उस विषय के दृष्टिकोण से हम इस पर काम कर सकते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि जिसमें भारतीय ज्ञान नहीं है। मैं कई बार विद्वानों से मिलना होता ही है मेरा, तो कोई फिजिक्स के व्यक्ति मिले, भौतिक शास्त्र के, मैं पूछा कि भौतिक शास्त्र में क्या, भौतिक शास्त्र की दृष्टि से हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ बातें हैं क्या? तो देहरादून के प्रोफेसर ने वेदों में भौतिक शास्त्र इस पर एक किताब भी लिखी है, केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के व्यक्ति को मैंने पूछा कि वे है कोई, तो उन्होंने कहा है प्रफुल्ल चंद्र राय, जिसको पीसी रॉय कहते हैं, हमारे बहुत जाने माने वैज्ञानिक हो गए। उन्होंने हिंदू केमिस्ट्री करके बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, लेकिन आज के दिखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम अपने अपने विषयों पर इस पर काम प्रारंभ करें कि हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपरा में कहीं ये ज्ञान है क्या। दूसरी बात, कई बार लगता है कि ये तो सैकड़ों विषय है, इस पर कैसे काम होगा, कब होगा। मान लो उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि 200 विषयों पर हमने काम करने की देश में आवश्यकता है, 200 सब्जेक्ट पर, तो भारत में 1000 लगभग विश्वविद्यालय, 1000 यूनिवर्सिटीज है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान शिक्षा के हैं। क्या एक संस्थान एक विषय पर काम नहीं कर सकते हैं? तो आगामी अधिक से अधिक 3 या 5 वर्ष में हम उस विषय की दृष्टि से भारतीय ज्ञान क्या क्या है, उसका कैसे इसमें समावेश करना चाहिए, उस पर काम कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है। तो ऐसे विभिन्न संस्थानों में भी इस पर काम आगे बढ़े, इसका हमने विचार करना पड़ेगा। साथ ही इन बच्चों में इस ज्ञान के बारे में एहसास हो, वो सिर्फ बातें बताने से, व्याख्यान से, भाषाओं से नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे केंद्र देश में है कि जो आज भी हम उसको दिखा सकते हैं, जैसे अजंता एलोरा गुफा में आप जाइए तो सैकड़ों वर्ष पहले वहां जो पेंटिंग्स किए गए वो आज यथावत है। मैं दक्षिण के एक मंदिर में गया था तमिलनाडु में, जहां श्रीनिवास रामानुजन का घर है कुंभकोणम, उसी जिले में मैं गया था, तो उसी समय मैं वो मंदिर देखने गया मैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि उनके एक एक पिलर, यानी सैकड़ों फीट बड़े पिलर है उसके, और उन्होंने कहा है कि ये 700 साल पुराना मंदिर है, तो 700 साल पहले उन्होंने कहा ये इस प्रकार का वो पिलर एक ही पत्थर में से बनाए हुए पिलर थे, तो वो उन्होंने कहा यहां से 300-400 किलोमीटर दूर से वो लाए हैं। अभी उस जमाने में
300-400 किलोमीटर दूर से कैसे लाए होंगे इतने बड़े बड़े पिलर, इतने बड़े बड़े पत्थर, और इसको वहां स्थापित किया। दिल्ली में लौह स्तंभ है, कहे 2000 साल पुराना है, सर्दी बारिश आंधी में वो खड़ा है, लेकिन आज तक उसको जंग नहीं लगा है, तो ये लोहा कैसे निर्माण हुआ होगा? अब ये लोहे बनाने वाले लोगों का, इस विधा जानने वाले लोग देश में समाप्त हो गए, लेकिन कुछ विद्वानों ने प्रयास करके, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने झारखंड में जाकर ऐसे लोगों को, जनजाति क्षेत्र लोगों को ढूंढा, तो जिस बूढ़े व्यक्ति को पूछा तो ऐसा कुछ हमारे बुजुर्ग लोग करते थे वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो अभी भूल गया हूँ, तब मैं छोटा था। तो उनको याद दिलाया, उनके सामने सारी बातें लाई गई, तो फिर से उनका स्मरण आ गया और वो टेक्नोलॉजी फिर से इस प्रकार का लोहा बनाने की झारखंड के क्षेत्र में प्रारंभ हो गई। मैं एक गुजरात में गुरुकुल देखने गया था, वहां एक कार्यक्रम मुझे बुलाया था, अहमदाबाद में ही है, तो उन्होंने मुझे कहा कार्यक्रम तो वहां 1 बजे से था, तो उन्होंने कहा उसके पहले भोजन है और भोजन के पहले थोड़ा आप ऐसा करिए कि 11 बजे आप आ जाइए। तो मैंने कहा 11 बजे आकर क्या कर रहा है, तो कहा आप आइए तो सही। तो मैं गया, तो उन्होंने वहां एक बड़े मकान में जो काम चल रहा था तो वहां ले गए, तो वहां सारे कारीगर काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? वो ग्रंथ लिखने का काम कर रहे थे। वो हस्तलिखित ग्रंथ लिख रहे थे और इतना सुंदर लिख रहे थे कि आप कंप्यूटर को भूल जाएंगे। और वो सब बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो कहीं उड़ीसा कहीं झारखंड वहां से लोगों को, उस विधा को उनके पारिवारिक जो परंपरा के अनुसार जानते थे उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाए थे। दिखने में भी वो मजदूर कारीगर जैसे, सामान्य कारीगर जैसे लोग लग रहे थे, लेकिन इतना सुंदर लिखते थे। और एक जगह हम देखा तो गोल्डन इंक यानी सोने की स्याही, गोल्डन इंक से वो लिख रहा था। तो मैंने कहा कि खराब नहीं हो जाएगा कुछ समय के बाद, तो उन्होंने कहा जिस कागज का आप उपयोग कर रहे हैं पेपर, वो 700-800 साल तक उस पेपर को और ये लिखनी को कुछ नहीं हो सकता है, वो यथावत रहेंगे। तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि ये कागज भी हमारे देश में नहीं बन रहे हैं, कुछ इंडोनेशिया मलेशिया में कुछ लोग ऐसे बनाने वाले हैं अभी भी, लेकिन हमने जयपुर में एक परिवार को ढूंढा और उनके युवक को हमने तैयार किया कि भाई तुमको जो पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन इस पर तुम काम करो, और उन्होंने धीरे धीरे काम किया शुरू। तो मैंने कहा एक ग्रंथ कितने का बनेगा कि गोल्डन इंक और इस प्रकार के कागज बहुत महंगे थे, तो कहा तो के लगभग 8 लाख आसपास कीमत एक ग्रंथ की होगी, 8 लैक्स। तो मेरे मन में तो हवा में तीर लगाते ना हम लोग भी, मालूम नहीं है तो अनुभव नहीं है, तो मैंने कहा ये 8 लाख का ग्रंथ कौन लेगा आपसे पास? तो क्या ऐसा एक ग्रंथ लिखा गया और वो अमेरिका के एक व्यक्ति 15 लाख में ले गया यहां से, और अभी हमारे पास 2 ग्रंथ के ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ नमूने देश में है अभी भी। तो बच्चों के एजुकेशनल टूर में इस प्रकार की बातें दिखानी चाहिए, तब वो देखेंगे तो वो फिर उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप इस प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में शुरुआत में हमने ये करना चाहिए कि हर विषय का पहला पाठ, इनको इंट्रोडक्टरी भी कह सकते हैं, प्रस्तावना भी कह सकते, जो आप चाहे कह सकते हैं, लेकिन उस विषय का भारतीय इतिहास उसका पाठ होना चाहिए। तो कम से कम भारतीय ज्ञान परंपरा हर विषय में है, इसकी जानकारी तो उनको बच्चों को प्रारंभ होगी, तो फिर आगे कुछ न कुछ बढ़ने की बात शुरू हो जाएगी। तो इस पर भी एक विचार हमने करना चाहिए।
और इस प्रकार एक कई विषयों पर विभिन्न विषयों पर इस प्रकार के ज्ञान के एक हम विश्वविद्यालय में अध्ययन केंद्र भी स्थापित कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय में अध्ययन केंद्र तो स्थापित हो जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार ने यूजीसी ने तो अध्ययन केंद्र को मान्यता दे दी, वो चाहे दीनदयाल उपाध्याय का अध्ययन केंद्र हो, चाहे अंबेडकर जी के नाम से हो, किसी के नाम से भी हो, लेकिन उसके ज्ञान परंपरा, उसका ज्ञान इस पर काम शायद नहीं हो रहा है। आज जब कोरोना महामारी है तो इस कोरोना महामारी में भारतीय ज्ञान ही लोगों को समाधान का रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसकी कोई वैक्सीन या दवा हमको एकदम 100% कहे उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन अभी भी बाबा रामदेव ने एक दवाई बनाकर बाजार में रख दी है। ठीक, उसको अभी ये कहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने 100% दर्दियों को ठीक किया है। आज ये कोरोना महामारी में भारत का नाम काफी ऊपर आया है। भारत सरकार ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से नेतृत्व लिया है इस विषय का, इस कारण से भारत की साख काफी बड़ी है और भारतीय परंपरा, भारतीय खान पान, ये सब बातें देश दुनिया भर में स्वागत होने लगा है। इस हमारी बातों से हम भी दूर भाग रहे थे, हम भी हाथ मिलाने के और सेकंड के चक्कर में पड़ गए थे। आज पूरी दुनिया नमस्कार करने लगी, आज पूरी दुनिया ने इस कोरोना महामारी में योग करने लगे, क्योंकि अभी जब तक कोई वैक्सीन दवाई नहीं मिली है तब तक ह्यूमैनिटी बढ़ाना यही उत्तर है। और ये उत्तर बहुत सही मिल रहा है। जो कोरोना महामारी का जो मृत्यु हो रही है उसमें अधिकतर बूढ़े लोग, बड़ी उम्र के लोग हैं या किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित ऐसे लोग हैं, लेकिन एक 70 साल की बड़ी ज्यादा उम्र के व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हुए और फिर वो अस्पताल में एडमिट हुए और स्वस्थ होकर बाहर आ गए, तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा जब से मैं अस्पताल में गया तो मैं 1.5 घंटा सुबह शाम मैंने योगासन प्रारंभ कर दिया तो मैं ठीक हो गया। आज हमारा जो आयुर्वेद का काढ़ा है, गिलोय है, ये धड़ल्ले से देश भर में बिकने लगा है, आगे बढ़ने लगा है, लोग सेवा के रूप में भी बहुत सारा काम करने लगे हैं। तो हमारी आयुर्वेद परंपरा इसके प्रिकॉशन के रूप में बहुत उपयोगी हो रही है। गर्म पानी की बात तो ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहां हजारों साल से ये परंपरा है। आप में से कोई जैन संप्रदाय के व्यक्ति हो गए तो जानते हैं कि जैनों में जो व्रत रखा जाता है तो उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, बस सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में मात्र गर्म पानी ही ले सकते हैं। तो गर्म पानी ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम रास्ता है, वो आज पूरी दुनिया स्वीकार करने लगी है। बाहर का खाना मत खाओ, घर के खाना खाओ, और इसमें खास करके जंक फूड, फास्ट फूड इस तो बिल्कुल मत खाओ, ऐसा सारे चिकित्सा क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, क्योंकि उसमें से कोई आपकी क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात है ही नहीं, उल्टा आपकी बीमारियां बढ़ाती है ये सारा खाना। लेकिन भारतीय खान पान में ये बातें नहीं है। तो आज भारतीय सारी बातों का दुनिया स्वीकार करने लगी है, ये एक अवसर है हमारे लिए। भारत को समर शक्तिशाली अगर हमने बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो उसका माध्यम शिक्षा ही हो सकता है।
दुनिया में जो भी शोध अनुसंधान रिसर्च होते हैं वो विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो सकता है? वही भारत के छात्र अमेरिका में जाकर बहुत सारा शोध अनुसंधान रिसर्च के काम कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ मेरे एमडी ये भारतीय व्यक्ति भारतीय लोग बन गए हैं, तो ये भारत में क्यों नहीं कर सकते? आवश्यकता है विश्वविद्यालय में ऐसा एक वातावरण निर्माण करने की, और वो इस वातावरण निर्माण करने के लिए हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार हमें लेना पड़ेगा। आप अधिकतर टीचिंग से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षा अध्यापक शिक्षा बीएड से जुड़े हुए लोग हैं, बीएड एमएड से, तो ये पेडागोजी जिसको कहते हैं पढ़ाने की पद्धतियां, वो भी आज तो लगभग हमारे यहाँ एक दो प्रकार की है। लेक्चर कहते नहीं सर शब्द, व्याख्यान देना लेक्चर देना यही हम पद्धति मान लिया। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार कम से कम 32 प्रकार के 32 टाइप्स ऑफ टीचिंग सिस्टम थी। तो ये सारी बातों में भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा ने सैद्धांतिक ज्ञान सिर्फ थियरी के रूप में, वो बात नहीं है, लेकिन हर बातों में भारतीय ज्ञान की एक परंपरा है, एक भारतीय पद्धति है, एक भारतीय व्यवस्था है। इन सबको आधार बनाकर ही हम श्रेष्ठता की उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और वही देश को श्रेष्ठ और उत्कृष्ट और विश्वगुरु बनाने का माध्यम हो सकता है। इस दृष्टि से इस वेबिनार में प्रतिभागी के रूप में उपस्थित सभी आचार्य विद्वान अध्यापक और छात्र इसका विचार चिंतन करें और इस दिशा में हम अपने स्तर पर और अपने अपने संस्थान के स्तर पर क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इस दिशा में अगर विचार चिंतन करके कुछ कार्य अगर आगे शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आज का ये वेबिनार का कार्यक्रम सफल यशस्वी और सार्थक होगा। आपने मुझे अपने विचार रखने के लिए बुलाया, इसलिए मैं डॉक्टर सोनू सिंह सहित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।